मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज है 4 जून 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज का दिन बेहद खास है, बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। आज सुबह देश भर में निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना के बाद 543 लोकसभा सीटों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान की भी 25 लोकसभा सीटों पर चुनावी नतीजे आज आएंगे। आपको बता दूं, लगातार दो बार से भाजपा यहां 25 की 25 सीटें जीतती आई है। सभी नेताओं और उनके समर्थकों की आज धड़कनें जरूर बड़ी हुई होगी, क्योंकि एक तो पूरी रात नींद तक नहीं आई होगी और आज जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक बेचैनी यूं ही रहेगी। वैसे आपको बता दूं, आज 8 बजे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक स्थितियां साफ हो जाएगी कि कौन कितना पानी में है। वहीं देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, 13 एग्जिट पोल के डेटा के मुताबिक पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 सीटें और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है और अन्य को 32 सीटें मिल सकती है। वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। उधर कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 7 से 12 सीटों पर अपना परचम लहराएगी चूरू, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और बाड़मेर सीट पर कांग्रेस अपनी जीत की उम्मीद कर रही है। इसके साथ ही 2 सीट नागौर और सीकर में भी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी विजय पताका फहरा सकते हैं। वहीं अगर श्री गंगानगर, जयपुर ग्रामीण, कोटा, बांसवाड़ा और जालौर की बात करें तो इन लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अगर कांग्रेस का दावा सही साबित हुआ तो भाजपा का मिशन 25 का सपना टूट जाएगा। भाजपा को 15 से 16 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। हालांकि यह तो खाली अनुमान है, हकीकत का पता अभी कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। जैसे ही 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और 11-12 बजे तक स्थितियां साफ हो जाएगी, पटाखे वगैरह फूटने लग जाएंगे और डीजे वगैरह बजने लग जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं, ऐसे माहौल में कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि हारने वाले नेताओं के समर्थक ज्यादा मायूस हो जाते हैं और जीतने वाले नेताओं के समर्थक अति उत्साह में चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, हारने वाले या जीतने वाले नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वह आज नहीं तो कल आपको एक साथ दिखाई दे देंगे, लेकिन उनके चक्कर में हमें संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। कई बार क्या होता है, जब नतीजे आते हैं नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके समर्थक आपस में आपा खो बैठते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा और जो खासकर हमारे परिवार में युवा सदस्य हैं उनको भी बताना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान के लोकसभा सीटों को हर किसी का आज इंतजार रहेगा। इसी वजह से राजस्थान के कई जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 भी लागू कर दी गई है, ताकि लोकसभा आम चुनाव की मतगणना में शांति व कानून व्यवस्था बनी रहे। वैसे आपको बता दूं, डूंगरपुर जिले में 3 दिन तक धारा 144 लागू की गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मुझे पीएम मोदी ने 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर इन 7 सीटों में से एक पर भी भाजपा की हार हुई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा, मैंने महुआ में भी कहा था, अगर 2 लोकसभा सीट भाजपा हार जाती है तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। 12 अप्रैल को 2 में पीएम मोदी का रोड शो हुआ था। किरोड़ी लाल मीणा बोले, इसके बाद पीएम ने मुझे 7 लोकसभा सीट भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी की लिस्ट सौंपी थी। हालांकि मैंने राजस्थान की 25 में से 11 सीटों पर मेहनत की है, लेकिन इन 7 सीटों में से एक पर भी भाजपा की हार हो गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। लोकसभा वार स्थिति देखें तो सबसे पहले रिजल्ट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट का आ सकता है, क्योंकि यहां पर अधिकतम 20 राउंड में ही काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इसी तरह राजसमंद लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 28 राउंड पर काउंटिंग पूरी होगी। यहां पर टेबल की संख्या हर विधानसभा में कम से कम 10 और अधिकतम 12 लगाई है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान में शराब की दुकानें यानी कि ठेके 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। राज्य आबकारी विभाग की ओर से इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। निर्देश के मुताबिक आज यानी 4 जून को मतगणना के दिन पूरे दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। आज पूरे राज्य में सूखा दिवस रहेगा। आगे बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। रविवार को जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहा। उसके बाद सोमवार को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी के साथ कहीं कहीं पर बादल छाने की वजह से गर्मी से राहत मिली। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है, इस विक्षोभ का असर आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 4 और 5 जून को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद एक और नया वेदर सिस्टम
एक्टिव होगा, लेकिन 4 और 5 जून को मौसम साफ रहने की वजह से एक बार फिर गर्मी तेज होगी। 6 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। खासकर यह जो आपको स्क्रीन पर लाल कलर में रंगे जिले जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इस विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। यानी कि इस सिस्टम का असर 6 जून से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अब तापमान बढ़ेंगे और गर्मी लोगों को फिर सताने लगेगी। अच्छा, मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि अरब सागर में कुछ हलचलें बढ़ी है। हालांकि अभी तक इस न्यूज की किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई मौसम के जानकारों का कहना है कि अरब सागर में हवाएं तेज चल रही है। ऐसे में वहां तूफान बनने की आशंका है। और जैसा कि आपको पता है, अरब सागर में बनने वाले तूफान कई बार राजस्थान को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन फिलहाल तो वहां एक मामूली सा छोटा सा सिस्टम बना है। ये आगे जाकर तूफान बनेगा या नहीं बनेगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहां हलचलें थोड़ी सी जरूर हुई है। 10 या 11 जून को पता चलेगा वहां पर तूफान बनता है या नहीं। इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आगे बढ़ जाते हैं, पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, जो वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसका असर मानव जीवन पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही में मवेशियों के लिए भी ये गर्मी काफी घातक साबित हो रही है। राजस्थान के कई जिलों में अब भी लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। इस भीषण गर्मी में पानी की कमी के कारण आवारा पशु ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं आजकल पालतू पशुओं में भी बुखार एवं डायरिया बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। प्रदेश में सैकड़ों पशु भीषण गर्मी से होने वाली बीमारी की चपेट में आ गए हैं और राजस्थान के सभी जिलों का यही हाल है। हर दिन सैकड़ों पशुओं में बुखार और डायरिया की शिकायतें आ रही है। ऐसे में पशुपालक भाइयों को विशेष सलाह दी जाती है कि गर्मी के मौसम में अपने पशुओं का विशेष ख्याल रखें, छाया पानी की उचित व्यवस्था करें, वरना पशु बीमार हो सकता है और दूध भी सूख सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। चांदी 1450 रुपए फिसल कर 91650 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना 550 रुपए टूटकर 73350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जेवराती सोना भी 600 रुपए कम होकर 68700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 18 कैरेट सोने की बात करें तो जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोना का भाव प्रति 10 ग्राम 58600 रुपए रहा। वहीं देखिए, अगर आप शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो आपने देखा होगा कल शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दरअसल आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मोदी 3.0 सरकार बनने की आहट से शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। यानी कि कल निवेशकों का जबरदस्त पैसा बना है। आगे बढ़ते हैं, मंडियों के भावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीकानेर की मंडी में सरसों का भाव रहा है 5751 रुपए। वहीं बीकानेर में चना बिका है 6911 रुपए अधिकतम, मेथी बिकी है 5851 रुपए। और इसबगोल के भाव की बात करें तो पिछले कई दिनों से इसबगोल के भाव में रुकावट सी आ गई है, 15000 से ऊपर नहीं जा पा रही है। बीकानेर की मंडी में इसबगोल अधिकतम 14700 रुपए बिकी और जीरा अधिकतम 27300 रुपए रहा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।